आगरमालवा जिले का दो सुंदी एक ऐसा गाँव है जहाँ समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। वहाँ के ग्रामीण महिलाओं को कोसों दूर भरी गर्मी में पानी लेने जाना पड़ता है। समस्या यही खत्म नहीं होती। यहाँ ना ही पक्की सड़क है और ना ही पक्के घर। सरपंचों को गांव की तरक्की के लिए कोई सुध नहीं है। जब चुनाव आते हैं तभी जनप्रतिनिधि गांव के भ्रमण पर आते हैं और हजारों वादे करके जाते हैं। वहीं सरकार का भी इस ओर कोई ध्यान नहीं है। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से गांव वाले वंचित है। ना पानी की व्यवस्था, ना रोड की व्यवस्था, कुछ भी नहीं है हमारे गांव में। बोरा ठेडा खाट पे पड़ के ले जाओ और रोड पे। कहाँ से लाते हैं आप लोग पानी? कितनी दूर से लाते हैं? नीचे खाल के पलंग से बाटी चढ़ चढ़ के पानी लाते हैं। बराबर हाथ पकड़ी पकड़ी लगा पूरा ही जाए तो मम्मा ने कंट्रोल नहीं लगती है। बारिश में फिर बंद लाते हैं हम। हाँ पूर में, हाँ बारिश में पूरा जाए तो रस्सी पकड़ के निकले हम, फिर बाद में वो पूर निकले। तो पसीदा बज रहा है हमारे गाँव में, बहुत परेशानी है इस गाँव में। परेशानी है हमारे सोचता नहीं करेंगे हम। हमारे गांव में यहाँ हम जब से हमारे यहाँ आए बसे पीढ़ी, जब से हमारा रोड नहीं बना गया है, हमने यहाँ से कम तो 10 बार आवेदन कलेक्टर ऑफिस में दे चुके हैं। विधायक के पास भी गए, सरपंच के पास भी गए, शिवराज सिंह मामा आया था उस टाइम पे, मैंने उनको आवेदन भी दिया था, लेकिन हमारे रोड की कोई सुनी नहीं की। अभी भी आए 4 दिन के लिए गिरदावर साहब, पटवारी साहब आए थे, रास्ते देख के नाप के चले गए। अभी भी हमारी खई खुदी हुई है, रास्ता बंद है हमारा। कसदीरा से आए बल्डी के पास में, और सबसे ज़्यादा पानी की समस्या इतनी है कि 1-2 किलोमीटर से हमारे लेडीज सिर पे पानी लाती है रास रास के कुएं से। रोड तो ही नहीं हमारे पास में, और यहाँ अभी इस साल प्रधानमंत्री आवास योजना की अभी कोई सूचना नहीं मिली हमको कि तुम्हारे गांव में आवास सूचना आई है अपने यहाँ पे।